गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वह है आपका विश्व के भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक मतलब किसी और नाम से भी उस कंट्री को जाना जाता है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और पहला क्वेश्चन है आपका, पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है, पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है। तो पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, तो वह है आपका श्रीलंका। श्रीलंका जो है इंडिया के साउथ में स्थित है और श्रीलंका की जो कैपिटल है वह जयवर्धनेपुरा है। तो पूरब का मोती किसे कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरागाहों का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है, चरागाहों का स्वर्ग किस देश को कहा जाता है। तो वह है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को चरागाहों का देश कहा, चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो है साउथ पोल में जो है स्थित, एक ऑस्ट्रेलिया के साउथ में स्थित एक कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड जो है आपके चाइना के जस्ट नॉर्थ साइड में है और थाईलैंड की जो कैपिटल है वह आपके बैंकॉक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है। विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया को विश्व का हेलीपोर्ट राजधानी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी कोरिया जो है आपका जापान के जस्ट नॉर्थ साइड में है और दक्षिणी कोरिया की जो कैपिटल है वो आपका सियोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनों का देश किसे कहा जाता है, वनों का देश किसे कहा जाता है। तो वनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को जो है वनों का देश कहा जाता है। यह आपका इक्वेटर अफ्रीका में जो है इक्वेटर पर जो है यह कंट्री आपका क्या है, लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है। तो वो आपका फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपका इंग्लिश चैनल है और इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल के जस्ट जो है साउथ में आपका फ्रांस जो है कंट्री है। फ्रांस की जो कैपिटल है वह पेरिस है। फ्रांस को फैशन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उगते और चढ़ते देश, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, यानी उगते और चढ़ते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, यानी राइजिंग कंट्री कहा जाता है। जापान जो है ईस्ट साइड का जो है पहला कंट्री है जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए इसको जो है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, राइजिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। जापान की जो कैपिटल है वह है आपका टोक्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। यह आपका नॉर्थ अमेरिका का जो है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, आईलैंड है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो वह तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की की जो कैपिटल है वह है अंकारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। यह यूरोप के नॉर्थ साइड में स्थित है फिनलैंड। फिनलैंड की जो कैपिटल है वो आपके हेलसिंकी है। इसको हजार झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है, किस देश को जो है मध्य रात्रि के सूर्य के नाम से जाना जाता है। तो वह है आपका नॉर्वे। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। जो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो है। नॉर्वे जो है आपका यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट साइड में आपका लोकेटेड कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन जो है आपका जीरो लॉन्गिट्यूड पर स्थित है और जीरो के जस्ट साइड जो है आपका जो है क्या होता है, सूर्य जैसे क्या होता है, उदय होता है और वहां पर जो है सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। इसलिए इसे डूबते सूर्य का देश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अग्निद्वीप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश को अग्निद्वीप कहा जाता है। तो आइसलैंड को कहा जाता है। आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है क्योंकि वहां पर आपके वोल्केनो बहुत ज्यादा जो है क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण वहां पर आग हमेशा जो है जलती रहती है। इसके कारण उसे जो है अग्नि देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो लेबनान को कहा जाता है। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? लेबनान को कहा जाता है। लेबनान की जो कैपिटल है आपकी बेरूत है। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।